शोर से कुछ ही दूरी पर एक जंगल में एक गुफा थी, जिसे चुड़ैल की गुफा कहा जाता था। चंद्रपुर के लोगों का ये मानना था कि इस गुफा में एक चुड़ैल रहती है, जो हर उस इंसान को खा जाती है जो इस गुफा में जाता है। चंद्रपुर के लोग इस गुफा की कई कहानियां सुनाया करते थे। एक दिन की बात है, भीमा लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था। उसने एक बहुत बड़ा पेड़ काटा और उसे अपने कंधे पर लादकर जंगल से बाहर निकलने लगा। लेकिन तभी भीमा के सामने एक जंगली हाथी आया। हाथी को गुस्से में देख भीमा डर गया। उसने वो पेड़ वहीं फेंका और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। भीमा भागता रहा और वो चुड़ैल की गुफा के नजदीक पहुंच गया। भीमा गुफा देखकर रुक गया, पर जब उसने देखा कि वो हाथी अब भी उसी की ओर आ रहा था, तो भीमा गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा था और जैसे ही भीमा आगे बढ़ा तो उसे डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। भीमा डर गया। अरे अरे, आज तो मैं बिन मौत मारा जाऊंगा। पीछे हाथी और आगे चुड़ैल। भीमा फिर भी चलता रहा और वो अचानक गायब हो गया। यहाँ घर पर भीमा की पत्नी विमला और बेटा चिंटू भीमा की राह देख रहे थे। रात हो गई थी और अब तक भीमा घर नहीं लौटा था, तो दोनों ने गांव वालों की मदद लेने की सोची। विमला और चिंटू चबूतरे पर गए। मुखिया जी, चिंटू के पापा अभी तक घर नहीं लौटे। सुबह लकड़ियां काटने गए थे, लेकिन अब तक कोई खबर नहीं। क्या वो चुड़ैल? नहीं नहीं। लेकिन मुखिया जी, मुझे लगता है कि उसे चुड़ैल ने ही खा लिया होगा। नहीं नहीं, मेरे बाबा को कुछ नहीं हुआ होगा। वो जंगल में ही होगा, हमें उसे ढूंढना चाहिए। हाँ, हमें एक कोशिश जरूर करनी चाहिए। विमला, चिंटू, मुखिया जी और कुछ गांव वाले हाथों में मशाल लेकर रात में जंगल की ओर निकल पड़े। भीमा, 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 कहाँ हो तुम? पापा, पापा। वो लोग जंगल भर खोजते रहे। बहुत समय हो गया था और अब तक भीमा का कोई पता नहीं लग रहा था। हमने सारा जंगल खोज लिया है, अब एक ही संभावना है। क्या चुड़ैल भीमा को खा गई होगी? नहीं, मेरे पापा जिंदा हैं। हाँ हाँ चिंटू बेटा, क्या हमें चुड़ैल की गुफा में जाना चाहिए? नहीं नहीं, सब मारे जाएंगे। हाँ बिल्कुल नहीं, हमें गांव वापस लौट जाना चाहिए। मैं नहीं आऊंगा, मैं चुड़ैल की गुफा में जाकर पापा को ढूंढ कर लाऊंगा। चिंटू बेटा, चुड़ैल की गुफा बहुत ही खतरनाक है। कहा जाता है कि चुड़ैल हर किसी को खा जाती है। तुम्हें हमारे साथ वापस गांव लौटना चाहिए। रो मत माँ, अगर कोई नहीं ला पाया तो भी मैं पापा को ढूंढ कर लाऊंगा। चिंटू चुड़ैल की गुफा की ओर गया। ये देख बाकी गांव वाले चौंक गए। अगर नन्हे चिंटू में चुड़ैल का सामना करने का साहस है
तो हम तो इतने सारे लोग हैं ना, हमें चिंटू की मदद करनी चाहिए। अब जो भी हो देख लेंगे, चलो चुड़ैल की गुफा की ओर। चिंटू गुफा में पहुंचा और उसे चुड़ैल की हंसी सुनाई दी। वो थोड़ा डर गया लेकिन फिर भी आगे बढ़ता रहा। फिर वो चुड़ैल चिंटू के सामने आई। ये क्या, एक छोटा शिकार? मैं तुम्हारा शिकार नहीं हूँ, मेरे पापा मुझे वापस दे दो। इतना सा होकर इतनी बहादुरी। तभी विमला और गांव वाले वहां पहुंच गए और उन्हें देख चुड़ैल की हंसी रुक गई। लगता है तुम सब के सब मरना चाहते हो। कौन मरेगा और कौन नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। सब लोग चुड़ैल की ओर बढ़ने लगे और ये देख चुड़ैल घबरा गई और पीछे भागने लगी। कुछ तो गड़बड़ है, ये चुड़ैल नहीं हो सकती। तब मुखिया जी और गांव वालों ने चुड़ैल को घेर लिया। चुड़ैल रोने लगी। मैं कोई चुड़ैल मुड़ैल नहीं हूँ, मैं तो बस ये खजाने के लालच में आकर ये सब कर रही थी। हमारे लोग कहाँ हैं? यहाँ नीचे। विमला और मुखिया जी चुड़ैल को नीचे ले गए और उन्होंने देखा कि गुमशुदा गांव वाले खुदाई कर रहे थे। चिंटू ने अपने पापा को देखा और उन्हें गले लगा लिया। पापा, पापा! चिंटू बेटा, इन सभी को यही लगता है कि मैं एक चुड़ैल हूँ, इसलिए मुझसे डरकर ये लोग मेरे लिए खुदाई कर रहे थे ताकि इस गुफा में छिपा हुआ खजाना मुझे मिल जाए। तुम्हें तुम्हारे पापों की सजा जरूर मिलेगी। और बेटा चिंटू, तुम्हारी दिलेरी की वजह से आज हमें अपने सारे गुमशुदा गांव वाले वापस मिले हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। चिंटू अपने पापा को वापस पाकर बहुत खुश था और विमला को अपने साहसी बेटे पर अभिमान था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि किसी भी कठिन समय में समझदारी, साहस और दिलेरी की बहुत जरूरत होती है। मेरा जादू है सबसे अलग, क्योंकि मैं हूँ जादूगरनी जटाका। प्रणाम जादूगरनी। क्या बात है, राजा के प्रिय वजीर मेरे घर में? क्या मुझे कैद करने आए हैं? नहीं, मैं आपको क्या कैद करूँगा, मैं तो अभी वजीर भी नहीं रहा। ऐसा क्या हो गया? आज से 20 साल पहले मैं राजा जय सिंह से मिला था, जब मैं एक युवक योद्धा था और राजा ने मुझे अपना सेवक बना लिया। 20 साल तक मैं राजा का वफादार रहा, उनकी हर आज्ञा मानी, उनके लिए कई बार अपनी जान जोखिम में डाली। 2 साल पहले राजभवन में हमला हुआ और मैंने अपनी जान को खतरे में डाल के राजकुमारी उर्वशी की जान बचाई। तभी राजा जी ने, तुमने अपनी जान की बाजी लगा के मेरी लाडली की जान बचाई, तुमसे अच्छा वर कोई हो ही नहीं सकता, तुम्हारा विवाह राजकुमारी उर्वशी से होगा। बस तभी से मैं राजकुमारी उर्वशी से शादी करने के सपने देखने लगा। मुझे हर जगह सिर्फ राजकुमारी उर्वशी दिखती, उनकी हंसी, उनकी मासूमियत। मैं उनसे और सिर्फ उनसे ही शादी करना चाहता था, पर फिर
एक दिन राजकुमारी अपनी मासी से मिलने प्रीतमगढ़ गई। वहाँ उन्हें खूबसूरत और बलवान राजकुमार धैर्य दिखे। राजकुमारी को उनसे प्रेम हो गया और राजा जयसिंह राठौर ने उनका विवाह पक्का कर दिया। पर मेरा क्या, मुझे दिए हुए वादे का क्या? मुझे राजकुमारी उर्वशी से प्रेम है, मैं कैसे भी करके उसे हासिल करना चाहता हूँ। तो प्रेम को जीतना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पास तो कोई सेना ही नहीं। इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। सिर्फ आप हो जो मुझे न सिर्फ मेरा प्रेम पर राज्य भी जीतने में मदद कर सकती हैं। मैं तुम्हें रास्ता तो दिखा दूंगी, पर तुम्हें जीतना खुद होगा। मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। यहाँ से 2 कोस दूर जंगल में एक विशाल गढ़ नाम का पर्वत है। उस पर्वत की चोटी पर एक गुफा है। तुम्हें वहाँ जाना है अपने सबसे विश्वसनीय सहायक के संग। उस गुफा में एक जादुई आईना है। तुम्हें अपने सहायक को उसके सामने खड़ा करना है और तुम्हारी सेना बन जाएगी। फिर जंग करो, राजकुमारी को जीतो और खुश रहो। मेरा तो कोई वफादार सहायक नहीं, क्यों ना मैं खुद ही जादुई आईने के सामने खड़ा हो जाऊं। अरे ये तो सच में बहुत विशाल है। आखिर मुझे गुफा मिल गई। शायद यही वो जादुई आईना है। चलो मैं अब जंग लड़ूंगा और राजकुमारी से शादी करूंगा। नहीं, मैं शादी करूंगा। राजकुमारी उर्वशी मेरी है। मैं राजकुमारी से शादी करूंगा। बेवकूफ वजीर, मैंने कहा था अपना वफादार सहायक ले जाए। अब क्या गलती इसकी है तो सजा भी ये भुगते। हाय, मैं हूँ शाइनी। अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।